पर ही हो जाएगी फंक्शंस में, इवन एंड ऑड फंक्शन। सबसे पहले हम इनको चेक करना सीख लेते हैं। वैसे ये हमने 11th में किया हुआ है, इवन और ऑड फंक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी इवन फंक्शन की। क्या होता है इवन फंक्शन? कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स को हम इवन फंक्शन कब बोलेंगे? जब हम उस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। अगर हम एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से और उस पर कोई चेंज ना आए, वो फंक्शन जैसा का तैसा रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इवन फंक्शन। तो लिख लेते हैं, अ फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे हमने माइनस एक्स रखा और उस फंक्शन में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे? इवन फंक्शन। जो एक्स है वो उसके डोमेन में रहना चाहिए, ये तो बेसिक आइडिया ही होता है डोमेन का। कभी कभी इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कभी कभी क्या करना पड़ेगा हमको कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये दोनों सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन कई बार इसमें रखने के बाद सॉल्व होगा और कई बार इसी से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही हमारे माइंड में होने चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, या फिर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, या इसका उल्टा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए तब भी जीरो हो जाए। अब बात ये आती है कि भाई इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, कई बार क्वेश्चन में ग्राफ दे देते हैं और उसी से हमको इवन और ऑड चेक करना होता है, तो ग्राफ देख के हम इवन और ऑड का कैसे आइडिया लगाते हैं? तो क्या करते हैं ग्राफ के लिए? तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। और ये कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो जैसे हम ग्राफ, सबसे इजी ग्राफ हमें पता है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स से हमने स्टार्ट किया और एफ ऑफ एक्स मिल गया, तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या हो गया? इवन। माइनस रखने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और अगर हमसे कहा जाए कि भाई y इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करिए, तो सबको आइडिया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनता है ये। और ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। तो y एक्सिस एक प्लेन मिरर का ही तो काम कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये y एक्सिस एक प्लेन मिरर का ही काम कर रहा है। मिरर के पार्ट में जितना इधर का पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जितना इधर पार्ट है उतना ही वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल उधर बन रहा है। तो अगर कभी ग्राफ हमको गिवन होगा तो भी हम आइडिया लगा लेंगे कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जो सबको ध्यान रखना है कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन जो होता है
वो सिमेट्रिकल होता है किसके, वाई एक्सिस के। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर कोई पॉइंट यहाँ पर सपोज करिए एक्स कॉमा वाई यहाँ पर लाई कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ एक्स है या एक्स डैश है, और ये वाई है या वाई डैश है, तो इधर भी वही सिमेट्रिकल है तो इधर भी तो वही पॉइंट आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई। एक्स में माइनस आ जाएगा और वाई में तो प्लस वाई रहेगा। इसका मतलब अगर एक्स कॉमा वाई उस पॉइंट पे लाई, उस कर्व पे लाई कर रहा है, तो माइनस एक्स कॉमा वाई को भी उसी कर्व पे लाई करना होगा। तो पॉइंट से भी हम चेक कर के देख सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो इवन है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि इफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई, अगर कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई जो है वो लाई कर रहा है ऑन द ग्राफ, देन माइनस एक्स कॉमा वाई ऑल्सो लाई इन द ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे भी हम पॉइंट की मदद से भी हम चेक करके देख लेंगे कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। जैसे वाई इक्वल टू मॉड एक्स है, अब ये इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा? अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस का मॉड एक्स आ जाएगा, और मॉड के अंदर कुछ भी माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, तो ये हो गया इवन फंक्शन। और मॉड एक्स का ग्राफ का भी आइडिया हमें है कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये ऐसे और ये ऐसे बन जाता है, इसी को तो बोलते हैं, कई बार हम इसका यूज़ भी कर चुके हैं। तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल ही तो आ रहा है देखो, तो अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल आ रहा है, वाई एक प्लेन मिरर की तरह कंसिडर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसे होंगे कि हम ग्राफ उनका ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो हम इस तरीके से चेक करेंगे ही कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स की इक्वल है कि नहीं, या प्लस एफ एक्स की इक्वल है कि नहीं। तो जैसे हमने इवन के लिए लिखा है, वैसे हम ऑड फंक्शन के लिए भी लिख लेते हैं, फिर दोनों के क्वेश्चंस करते हैं एक साथ। ऑड फंक्शन सेम हो जाएगा इसी टाइप से ही, इवन और ऑड में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, सिर्फ माइनस का, कि उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस गायब हो गया और इसमें माइनस जो है वो आगे आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसमें? अ फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एफ एक्स इज सेट टू बी एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो गई तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ऑड फंक्शन। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि दोनों को इधर ही ले आते हैं एक साइड में, और हम बोल दें कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स अगर ये वैल्यू जीरो की इक्वल आती है। जैसे वहां पर क्या था, वहां माइनस की इक्वल आई थी, जब हमने एफ ऑफ माइनस एक्स को इधर किया तो माइनस हो गया था, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अगर इस टाइप की कंडीशन भी बनती है तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? सेम वही कहानी यहाँ पर भी हो जाएगी कि जो इसका ग्राफ होगा वो किसके सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो वो जो है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे वहां पर वाई एक्सिस होता है तो अब आप इसको एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल हो जाता है। अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब अगर ये फर्स्ट की बात हो रही तो फर्स्ट के अपोजिट कौन सा होगा, थर्ड अपोजिट क्वाड्रेंट, उनके सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो लिख लेते हैं ग्राफ से, अगर हमको कभी चेक करना पड़ा तो ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल हो जाएगा। अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होगा कि अगर कोई कर्व मान लीजिए, जैसे पॉइंट से मुझे चेक करना पड़ा, तो अगर कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई, इफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई लाई ऑन द ग्राफ,
अगर एक्स को हमारा वाई लाई कर रहा है तो कौन सा पॉइंट अब लाई करेगा? माइनस एक्स को हमारा माइनस वाई, जैसे अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये, इसके अपोजिट ये हुआ और इसके अपोजिट ये हो गया, ठीक है। तो माइनस एक्स, अगर यहाँ पर एक्स को हमारा वाई होगा तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई ऑल्सो लाई ऑन द ग्राफ। क्लियर हो रही बात? जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू अगर हमने ले लिया एक्स क्यूब, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनता है ये। और अगर हम चेक भी करना चाहें तो भी चेक हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। यहाँ पर अगर एक्स को हम वाई लाई कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर हो रही है बात? चलिए तो अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर एक दो प्रॉपर्टीज हैं उनको करेंगे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। आप ये चेक करके बताएं कि ये इवन है कि ऑड है। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ये दो क्वेश्चन चेक करना है, करें आप बताएं फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा। ओके चेक कर लेते हैं, अगर एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस एक्स रखने से जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ माइनस एक्स आ गया, तो ये हो गया माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साइन ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स, तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो हो गया माइनस, और ये जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स की इक्वल हो गया। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। अब जरा दूसरे को चेक करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स जब हमने यहाँ पर रखा तो लॉग ऑफ क्या बन गया, ये वन माइनस ऑफ माइनस एक्स वन प्लस एक्स, और यहाँ पर वन माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर कैसे चेक करें, सेकेंड वाले में आप क्या किया जाए इसको? तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया, लॉग वन प्लस एक्स माइनस लॉग वन माइनस एक्स, जबकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लॉग वन माइनस एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स। तो
यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, तभी तो वो बनेगा लॉग वन माइनस एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स। तो ये बन गया माइनस ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स की इक्वल हो गई, तो ये भी एक ऑड फंक्शन हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही है बात? एक और देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? करो, इसको भी चेक करो और बताओ ये इवन है कि ऑड है। जैसे ही हमने इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखा तो क्या बन गया, ये लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस। ओके, अब इसके बाद प्रॉब्लम हो रही है कि अब इसके बाद क्या किया जाए, क्योंकि ये बन गया है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर गए और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो है हमारे पास, तो हमने अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये बन गया ए, ये बन गया बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर कट हो गया तो ऊपर आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ऊपर आ गया वन और नीचे आ गया अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसको लिख सकते हैं हम लॉग वन माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या किया जाए इसके बाद, ये किसकी वैल्यू है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो थी, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया। एक तो मेथड ये हो गया। अब देखो कुछ लोग कैसे ऐसे करेंगे तो और आसानी से आंसर आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बताई थी, अब ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, उसी तरीके से हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और बात कर रहे थे कि अगर कभी ऑड फंक्शन हो तो ये तो प्रॉपर्टी यूज होती है, कई बार इस प्रॉपर्टी से जल्दी आंसर आ जाता है कि हम एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों को ऐड कर दें, खासकर लॉग वाले क्वेश्चन में तो ज़्यादा इजी हो जाता है। क्यों, देखो जरा इससे चेक करके मैं दिखाता हूँ जल्दी आंसर कैसे आएगा। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स दोनों को हमने कर दिया ऐड, तो क्या है हमारे पास, लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और प्लस लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स है। यही तो हुआ, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। तो जब m इंटू एन करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। और जैसे ही मल्टीप्लाई में आए तो लॉग ए प्लस बी और ए माइनस बी किया, लॉग m प्लस लॉग n लॉग m इंटू एन, तो लॉग m इंटू एन किया तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो देखो कट हो गया ये। और लॉग वन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जीरो आया कि नहीं आया, तो ये देखो इससे ज़्यादा इजी हो गया ये, जबकि इससे थोड़ा सा लेंदी हो गया। तो कभी भी लॉग वाला क्वेश्चन हो ना, जैसे ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें भी वही काम कर सकते थे कि ये एफ ऑफ एक्स था, ये एफ ऑफ माइनस एक्स था, दोनों को ऐड कर देते। देखो यहाँ पर ऐड करके चाहो तो देख लो, और करके यहाँ पर इतने पार्ट में हो जाएगा। जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये
एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, लॉग दोनों में प्लस होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, तो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ये देखो कट होके क्या बन गया, लॉग वन, और लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये बन गया कि नहीं ऑड फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी खासकर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जब लॉग आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई, चाहे ऐसे करो या जैसे भी करो, आंसर सही आना चाहिए। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लॉग की तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्स इंटू टू टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन टू टू द पावर एक्स माइनस वन, इसको आप चेक करें और बताएं ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, जल्दी से। एक्स की जगह जैसे ही आपने यहाँ पे माइनस एक्स रखा तो क्या चेंजेस आए, माइनस एक्स टू टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन, टू टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन, तो हमने क्या किया, इसको माइनस एक्स कर दिया और यहाँ पर क्या आ गया, वन अपॉन टू टू द पावर एक्स प्लस वन, वन अपॉन टू टू द पावर एक्स माइनस वन, एलसीएम ले लिया यहाँ पर, माइनस एक्स और टू टू द पावर एक्स, जब ऊपर एलसीएम लिया तो बन गया टू टू द पावर एक्स प्लस वन, और अपॉन में क्या बन गया, वन माइनस टू टू द पावर एक्स अपॉन टू टू द पावर एक्स, टू टू द पावर एक्स तो कट हो गया, माइनस एक्स और ऊपर और नीचे में सेम बन रहा है, बस यहाँ पर क्या बन रहा है, टू टू द पावर एक्स प्लस वन, नीचे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो टू टू द पावर एक्स माइनस वन बन जाएगा, और एक बाहर भी माइनस है, उस माइनस को माइनस से कट करा देते हैं, तो ये बन गया x इंटू टू टू द पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एक्स माइनस वन, तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल आ गई यहाँ पर, ये पूरा फंक्शन वही सेम बन गया, f ऑफ एक्स की इक्वल, तो अगर माइनस की वैल्यू जो है वो प्लस की इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन हो गया, माइनस रखने से कोई चेंजेस ही नहीं आया, कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कर सकते हैं उससे भी, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स में आ रहा है टू की पावर माइनस एक्स प्लस वन, या तो एलसीएम लेके सॉल्व करो पहले फिर सेम करो, तो फिर ऑटोमेटिकली वो सेम आ जाएगा भाई। यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर इसका क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो टू की पावर एक्स माइनस वन है, यहाँ टू की पावर माइनस एक्स माइनस वन है, या तो इसको पूरा सॉल्व करके यहाँ तक लेके आए तो फिर यहाँ से तो फिर सीधे आइडिया हो ही जाएगा, और आएगा तो उससे भी, ऐसा नहीं कि अगर हम प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि बात तो वही हो रही है, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स की इक्वल ही आ रहा है।
तो कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज इवन एंड ऑड फंक्शन की। एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अभी हमने ग्राफ की लिखी है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्या दुनिया में क्या केवल दो ही तरह के फंक्शन है, इवन और ऑड? कि क्या ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं कि जो इवन भी ना हो और ऑड भी ना हो? क्या ऐसे फंक्शन भी है? क्या ऐसे फंक्शन हो सकते हैं कि जो इवन भी ना हो और ऑड भी ना हो, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड का केस भी बनेगा कि नहीं बनेगा? अ फंक्शन में नाइदर बी ऑड नॉर इवन। दुनिया में बहुत सारे फंक्शन ऐसे मिलेंगे जो ना तो इवन होंगे ना तो ऑड होंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये फंक्शन भी तो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखो या प्लस एक्स रखो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ना तो माइनस कॉमन आएगा, देखो यहाँ रख के देखो, माइनस एक्स रख के देखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर ये हो गया, और अगर इसको चेंज करके देखो तो ना तो माइनस कॉमन आएगा और ना ही माइनस गायब होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा? नाइदर इवन नॉट ऑड, नीनो फंक्शन। नहीं, ये दूसरे, ये फंक्शन ऐसे फंक्शन हो गए जो ना तो इवन है ना ऑड है। तो हमारे दिमाग में आ जाता है ना कि जो इवन नहीं है वो ऑड होगा, जो ऑड नहीं है वो इवन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं ना जो ना तो इवन है ना तो ऑड है, उनका कोई नाम नहीं, उनको बोलेंगे ना तो इवन है और ना ही ऑड है। उसके बाद दूसरी चीज है कि कोई भी फंक्शन हो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो चाहे वो इवन हो या ऑड हो या ना भी हो, या ये भी लिख लो नॉट नेसेसरली, ये सिर्फ इवन ऑड की बात नहीं हो रही है, सारे फंक्शन की बात हो रही है। कोई भी फंक्शन हो दुनिया में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन हो उसको हम दो तरीके, कुछ दो फंक्शन में ऐड करके बोल सकते हैं, पहला वाला इवन हो जाएगा दूसरा ऑड, या पहला ऑड हो जाएगा दूसरा इवन हो जाएगा। जैसे अगर आपको याद हो तो एक आपने सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं, याद है? हाफ ए प्लस ए डैश अपॉन टू और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश अपॉन टू, उसी तरीके से सेम वही है ये। एफ एक्स इक्वल टू हाफ, वहां पर होता था ए प्लस ए डैश, यहाँ पर होता है एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एफ एक्स, और अपॉन टू तो खैर बाहर ले लिया, प्लस हाफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई टू तो बाहर ले लिया। किसी भी फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें से जो पहला वाला है वो क्या है, इवन फंक्शन है कि ऑड है ये चेक कर लेंगे, और दूसरा जो है वो ऑड है कि इवन है वो चेक कर लेंगे। जैसे ये वाला कौन सा है, ऑड है कि इवन है, और ये क्या है? तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये इवन फंक्शन है और ये जो है वो ऑड फंक्शन है। चाहो तो आप चेक करके देख लो, हाँ इसको चेक करोगे और इसको चेक करोगे तो इवन ऑड अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इसको हमने लेट कर लिया कि ये एच एक्स है, इसको हमने लेट कर लिया और इसको लेट कर लिया कि ये जी एक्स है। तो एच एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ माइनस तो प्लस एक्स, तो देखो एच ऑफ माइनस एक्स एच एक्स की इक्वल हो गया। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, इवन। तो एच एक्स जो है वो इवन हो गया, और सिमिलरली ये जी एक्स जो हमने लेट किया ये ऑड बन जाएगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये ऑड बन जाएगा, माइनस एफ एक्स, और माइनस ऑफ माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये बन गया जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स। तो इस तरीके से इवन और ऑड चेक कर सकते हैं हम। तो जैसे आपने अगर सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी और स्क्यू सिमेट्रिक की याद की हुई है
कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हैं, वही सेम यहाँ पर भी है कि कोई भी फंक्शन हो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ये एग्जांपल हमने ले लिया है एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, कोई भी फंक्शन है, ना तो इवन है ना तो ऑड, इससे मतलब नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए की पावर एक्स को ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन टू और प्लस ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। और जब आप एलसीएम लोगे तो यही आने वाला है ए की पावर एक्स, और ये फंक्शन ना तो इवन है ना तो ऑड है, तो किसी भी फंक्शन को आप लिख सकते हैं इवन और ऑड फंक्शन में, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो इवन हो या ऑड हो, किसी भी फंक्शन को आप, जैसे किसी भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हो, सेम वैसे ही इसको भी याद कर लो। अगर वो आपको याद है तो फिर इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद एक क्वेश्चन और जेई में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इवन भी हो ऑड भी हो, ऐसा कोई फंक्शन दुनिया में है जो इवन भी हो और ऑड भी हो, क्योंकि अभी तक हमने देखा जो इवन है वो ऑड नहीं है और जो ऑड है वो इवन नहीं है, तो कोई ऐसा फंक्शन जो इवन और ऑड दोनों हो, सोचो कोई है ऐसा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही बन जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। The only function which is defined on the entire number line and is even and odd at same time, मतलब एक ही टाइम में ये इवन भी होगा और ऑड भी होगा, कौन सा फंक्शन है वो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये दुनिया का एक इकलौता ऐसा फंक्शन है जो एक ही टाइम में इवन भी होगा और ऑड भी होगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस जीरो भी लिख सकते हो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, तो इसको मतलब हम लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये इवन हो गया। अगर हमने एफ ऑफ माइनस एक्स को जीरो को अगर मैं माइनस जीरो लिख लूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, अगर जीरो को कोई माइनस जीरो लिखे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या उसमें। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना कि माइनस जीरो या जीरो दोनों सेम ही हो गए ना, जैसे माइनस सिक्स और प्लस सिक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम जीरो को माइनस जीरो कर दो तो क्या कोई उस पर फर्क पड़ेगा क्या, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या, नहीं आंसर होगा नहीं चेंज होगी, तो इसका मतलब हमने माइनस जीरो भी लिख दिया और जीरो की जगह सिर्फ एफ एक्स रख दिया, तो माइनस एफ एक्स भी बन रहा है और प्लस एफ एक्स भी बन रहा है, तो इसलिए ये एक ऐसा फंक्शन है दुनिया का जो हमेशा इवन और ऑड दोनों हो सकता है। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही है बात। चलिए तो आगे और क्वेश्चंस करते हैं कुछ, एक दो इवन ऑड का तो हो गया। अब एक क्वेश्चन इस तरीके का कर लेते हैं जिसमें हमें क्वाड्रेटिक गिवन रहती है और हमें जरा उसकी रेंज निकालनी होती है, तो कैसे निकालते हैं इसका, ऊपर से कोई लेना देना नहीं, ये क्वेश्चन है जो कभी जेई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले कभी किए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और कह रहा वेयर एक्स इज अ रियल नंबर इज, इसकी रेंज बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन में है 3.5, बी ऑप्शन में है 1.3, सी ऑप्शन में है
1,7/3 और डी ऑप्शन में है ओपन इंटरवल में 1,7/3 क्लोज। अब देखो इसको मैं बता देता हूँ कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे हमने ये क्वाड्रेटिक में किया हुआ है पहले कभी। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। तो इसने डोमेन तो खुद दिया हुआ है, डोमेन क्या दिया हुआ है कि सारे रियल नंबर। एक्स जो है वो क्या है, क्वेश्चन में लिखा है एक्स जो है वो रियल नंबर, मतलब एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा नहीं रियल नंबर के लिए। क्योंकि अगर आप ध्यान दें इसको, तो 1 + ω + ω² का फॉर्म बन रहा है कि नहीं भाई। हम हमेशा पी अपॉन क्यू वाला फंक्शन जब देखते हैं, तो मैंने बोला हुआ है कि हमेशा आप ध्यान रखिए कि पी अपॉन क्यू में क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमको दिख ही रहा है कि ये जो क्यू है ये कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको हमेशा बोला हुआ है कि आप इसका याद रखें, इसका एक रूट्स क्या होता है ओमेगा और दूसरा रूट्स क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, याद है कि नहीं। इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये कभी जीरो के इक्वल तो होगा ही नहीं रियल नंबर के लिए, क्योंकि ये तो इमेजनरी नंबर के लिए होता है जीरो, रियल नंबर के लिए कभी नहीं होगा। अगर कोई कहे कि भाई बताओ सॉल्व करके बताओ चेक करके, तो ऐसे चेक करके आप दिखा सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर आप बना दीजिए इसको, एक्स के कोफिशियंट का हाफ कर दिया, तो एक्स का कोफिशियंट एक्स है, एक्स का हाफ 1, तो उसकी स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 4 - 1 3/4। तो ये देखो यहीं से हमको आइडिया हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जो मिनिमम वैल्यू है, अगर मैं पूछूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही 3/4 आने वाली है। किस पॉइंट पे, जब ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा जीरो, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं कम हो सकता बताओ, क्यों नहीं कम हो सकता, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है भाई, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। या तो ये बढ़ता जाएगा और या जीरो हो जाएगा। क्या जीरो से कम कभी हो सकता है क्या ये पार्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, तो या तो ये जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ही 3/4 आ रही, तो क्या कभी ये जीरो हो सकता है क्या, तो इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे अभी तक हम क्या करते थे कि हम देख लेते थे कहीं डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं रहा है। तो एक तो हमने ये चेक कर लिया कि एक्स जो है वो उसका क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि कुछ भी हम रख सकते हैं, डोमेन जो है उसका जो है वो रियल नंबर हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ। अब इसका जो है वो रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो इसको हम क्या करते हैं, फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स को वाई लेट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक क्वाड्रेटिक बनाओ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया वाई माइनस 1, एक्स को इधर भेज दिया वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जरा ये बात बताओ कि क्या क्वाड्रेट, ये कह रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गई है और हमें जो है वो रेंज निकालना है। रेंज का मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, रेंज का मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू ना, वाई की वैल्यू ही निकालनी है। रेंज का मतलब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसने कहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है दिख रही है आपको, एक्स में क्वाड्रेटिक है फॉर्म दिख रहा है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म बन रहा है, और एक्स जो है वो कह रहा है रियल नंबर है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक हमको गिवन है और कह दे कि ये रियल वैल्यू देता है, तो रियल वैल्यू के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डी, याद है कुछ नहीं। तो उसका डी जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमारे दिमाग में आएगा कि भाई डी इक्वल टू 0 हमने पढ़ा था, तो डी इक्वल टू 0 तब पढ़ा था जब अल्फा और बीटा दोनों सेम होते थे, तो आंसर होता था रियल एंड इक्वल रूट्स, तब हम बोलते थे रियल एंड इक्वल रूट्स। और जब डी जो है वो लेस देन 0 होता था तब तो हम कहते थे कि इमेजनरी रूट्स है, तो ये तो कहानी से ही हट गया कि इमेजनरी रूट्स तो चाहिए ही नहीं, रियल की बात हो रही।
और जब डी ग्रेटर देन जीरो होते थे तो अल्फा और बीटा क्या होते थे, डिस्टिंक्ट रूट होते थे, डिफरेंट रूट होते थे। तो इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दोनों ही लेने पड़ेंगे हमको। तो अब हमारा मेन मोटो क्या होगा कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आप कर दीजिए। अच्छा एक चीज़ और हमें क्वाड्रेटिक में बताई गई है कि क्वाड्रेटिक की कंडीशन क्या होती है। कोई भी इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ये क्वाड्रेटिक को कब रिप्रेजेंट करता है, जब इसका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, इसमें हमको साफ साफ बताया जाता है कि जो ए है वो जीरो की इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ए जीरो की इक्वल हो गया, अगर ए की वैल्यू जीरो की इक्वल हो गई, तो फिर वो क्वाड्रेटिक कहाँ बचा, वो तो लीनियर हो गया। तो इसलिए ए की वैल्यू जो उसका हाईएस्ट कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को देख के हमको क्या आइडिया हो रहा है कि वाई माइनस वन क्या नहीं होना चाहिए, यानी y की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए। y की वैल्यू कभी भी अगर आंसर में 1 आ भी जाती है तो हमें y इक्वल टू 1 नहीं लेना है। बस बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि ये y की वैल्यू 1 भी ले लेते हैं, फिर वहां पर गड़बड़ हो जाती है। अब देखो जरा इसको कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू क्या आई बताओ जरा, a की वैल्यू y माइनस वन, b की वैल्यू भी y माइनस वन, और c कितना आया y माइनस टू। इससे कंपेयर कर दिया यहाँ पर इस इक्वेशन से, ये b बन गया और ये c हो गया। तो डी की वैल्यू निकाल देते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, तो ये आ जाएगा वाई माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वाई माइनस वन और सी की वैल्यू वाई माइनस टू। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। दोनों में से वाई कॉमन है वाई माइनस वन, तो वाई माइनस वन कॉमन ले लिया, तो वाई माइनस वन माइनस, अच्छा यहाँ पे फोर है तो फोर का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, फोर वाई और प्लस कितना हो जाएगा माइनस फोर का मल्टीप्लाई जब माइनस टू में होगा तो प्लस एट हो जाएगा, तो एट माइनस वन सेवन, तो ये बन गया वाई माइनस वन और ये बन गया सेवन माइनस थ्री वाई। और ये दोनों जो है ये डी की वैल्यू है, और ये लिखा है कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर बात आ जाएगी नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन में हमको एक चीज़ बताई गई थी कि जो एक्स या वाई होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, निगेटिव हमको मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जो नंबर लाइन हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एक्स है या वाई है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और फिर माइनस से करा दिया मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो वाई माइनस वन और थ्री वाई माइनस एट नहीं है, ये क्या है सेवन है, हाँ थ्री वाई माइनस सेवन है ये, तो थ्री वाई माइनस सेवन और ये ग्रेटर देन जो है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो बन गया। यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब क्या करेंगे इसके बाद, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं इसको, तो एक बन गया सेवन बाई थ्री और एक बन गया वन, और नेगेटिव चाहिए तो यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, तो ये कह रहा है कि नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव का मतलब कौन सा, तो इसका मतलब इनके मिड का होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसको देख के हमें क्या आइडिया हो रहा है कि वाई बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, वन से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, सेवन बाई थ्री तक। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पर तो हम इक्वल क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्लोज नहीं लगा सकते। तो हमारे जो ऑप्शन में दिए हैं, तो देखो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, वन कॉमा सेवन बाई थ्री, ये क्लोज में भी है और ये ओपन में भी है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वन नहीं हो सकता, ठीक है। वाई की वैल्यू कभी वन आएगी नहीं, हम चाहे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि वन क्यों नहीं आएगी। देखो ना वाई की वैल्यू अगर मान लो किसी ने कह दिया कि भाई वन होनी चाहिए, वन क्यों नहीं होगी वाई की वैल्यू, तो आप उसको ये भी आप बता सकते हो कि देखो भैया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो वाई वन कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर वाई मान लिया हमने कि वाई की वैल्यू वन है, तो जरा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर और एक्स कट हो गए, तो क्या टू कभी भी वन के इक्वल हो सकता है।
तो इसका मतलब है कि ये कभी भी 1 पे क्लोज इंटरवल आने का तो चांस ही नहीं है, तो इसलिए ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये कभी जेई में आया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास ध्यान रखें आप इसका। जरूरी नहीं कि सब में हमको ये इंटरवल का ध्यान रखना पड़े, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हो सकता है कि डायरेक्ट सॉल्व करो और आंसर आ जाए, और उसमें हम तब भी उसमें हम एक बार जरूर चेक करके देख लें कि कहीं कोई ऐसा नंबर तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो वो जरूर आप चेक करके देख लेंगे। ठीक है, तो सब में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी आप अपनी आदत जरूर बना लें। हाँ बोलो। डायरेक्ट ऑप्शन को चेक करके आंसर नहीं मिलने वाला, इसमें पूरा प्रोसेस ये करना पड़ेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा। रेंज नहीं निकाल सकते आप, डोमेन तो आप डायरेक्ट चेक करके निकाल देंगे, लेकिन रेंज के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई 7/3 कैसे आया। मान लिया 7/4 होता, 7/5 होता, फिर हम कैसे चेक कर लेते। तो उसके लिए ये पूरा प्रोसेस है, पहले आप उसको वाई के इक्वल लेट करें, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डिस्क्रिमिनेंट को फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करें, उसके बाद कहीं आंसर आएगा, नहीं तो फिर आंसर में प्रॉब्लम आएगी। डायरेक्ट रेंज आप इसकी इस तरीके से नहीं बता सकते। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो रही है बात? तो कोई भी अगर इस टाइप का केस आता है तो आप जरूर ध्यान रखें। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, इसको जल्दी से आप सॉल्व करें। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स जो है वो रियल नंबर में है और आपको रेंज बतानी है। सबका मेथड यही होगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना, अभी हमने ऊपर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या हो सकता है कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी मिल जाए कि ऊपर लीनियर आ जाए नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए, तो भी यही काम करना है। वाई इक्वल टू लेट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो क्वाड्रेटिक बन रही है उसका जो डी है उसको हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। टीन एक्स प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आगे वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9, ये आ गई। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो y माइनस 1, प्लस x कॉमन ले लिया तो 2y माइनस यहाँ 7 हो जाएगा, बल्कि 2 भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से क्योंकि 14 है, हमने 2 यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, डायरेक्ट कर रहे हैं 2xy था तो हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 और x दोनों ही कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो ये 2xy था और साथ में हमारा क्या था, 2xy माइनस 14x, ये दोनों एक साथ थे तो हमने 2x कॉमन ले लिया तो y माइनस 7 हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, बिल्कुल यहाँ से 3 भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी,
टू टाइम्स वाई माइनस सेवन और सी की वैल्यू थ्री कॉमन लेने के बाद वाई माइनस थ्री। और एक काम और हमें ध्यान रखना है कि जो ये हमारी क्वाड्रेटिक बनी हुई है ये क्वाड्रेटिक ही रहे, उसके लिए वाई की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते हैं? तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्लियरली मेंशन कर देंगे कि वाई माइनस वन क्या नहीं होना चाहिए, यानी वाई की वैल्यू अगर वन आती भी है तो उसको हटाना पड़ेगा हमको, वाई की वैल्यू वन कभी नहीं हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर किया तो बी का मतलब हो गया फोर, और वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू वाई माइनस वन और सी की वैल्यू है वाई माइनस थ्री। और इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो फोर तो पहली बात कॉमन हो गया और वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू जा 14 वाई, और माइनस फोर तो कॉमन था यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका, तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फोर हमने कॉमन ले लिया ना यहाँ से, सही है ना? अच्छा ये थ्री भी था साथ में, तो यहाँ इंटू थ्री भी आ गया, तो ये फोर कॉमन लेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इसको एक लाइन वाइज सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने सिर्फ फोर कॉमन लिया हुआ है, तो एक काम करते हैं इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, थ्री बाहर आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस वाई और प्लस थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी। तो फोर टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 वाई माइनस 3 वाई स्क्वायर, और इस 3 का जब इन दोनों में होगा तो 3 और 1 4 और 4 3 जा 12 वाई हो जाएगा प्लस का और माइनस 9। तो क्या बन गया, 4 माइनस 2 वाई स्क्वायर और 14 वाई में से 12 वाई गया तो आ जाएगा माइनस 2 वाई, और 49 में से 9 जाएगा तो प्लस 40। ये डी आ गया और इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करना है। तो जैसे ही आप इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करोगे तो पहले तो फोर गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस टू आई स्क्वायर माइनस टू आई प्लस 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फिर माइनस टू से भी डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20, और जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। 20 के फैक्टर कर लिए, 5 4 जा 20, तो 5 वाई माइनस 4 वाई माइनस 20 लेस देन और इक्वल टू 0, वाई कॉमन लिया वाई प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लिया वाई प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0, तो वाई माइनस 4 और वाई माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, ये 5 हो गया और ये, अच्छा ये y माइनस फोर और y प्लस फाइव है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या क्या मिल गई हमको, एक तो 4 मिल गई और एक माइनस फाइव मिल गई। तो एक काम करना पड़ेगा, पहले 4 आएगा फिर माइनस फाइव आएगा ना, यहाँ पर आ गया हमारा प्लस इन्फिनिटी, इधर आ गया माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पर लेंगे, इन दोनों को हटा देते हैं, तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ गया 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 5, ये आ गया 4 और ये आ गया माइनस 5, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव बोल रहा है ना, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव का मतलब कौन सा चाहिए, यही तो है इसका साइन नेगेटिव, तो y का आंसर क्या होना चाहिए, y बिलोंग्स टू क्या आंसर हो जाएगा, माइनस 5 से 4 तक। अब अगर किसी ने ये आंसर दे दिया तो उसका भी गड़बड़ हो जाएगा, क्यों क्यों गड़बड़ हो जाएगा बताओ, क्योंकि ऊपर यहां पर अभी बताया गया था कि y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है ना कि y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और हमने आंसर दे दिया माइनस 5 से 4 तक, तो क्या माइनस 5 से 4 के बीच में y 1 आएगा क्या, तो आंसर होगा यस, बिल्कुल आएगा। तो आंसर y बिलोंग्स टू माइनस 5 से 4 तक एक्सेप्ट 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा या फाइनल आंसर बोल सकते हैं, ये नहीं आंसर दे सकते हो आप,
और या तो कुछ लोग इसको ऐसे लिख देंगे, y बिलोंग्स टू -5 से लेके 1 तक, यूनियन 1 से लेकर 4 तक, तो 1 को ओपन में रखना पड़ेगा, 1 हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी दे दो या ऐसे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी आंसर हो, बस सही होना चाहिए। तो अब क्लियर हो गई बात कि अभी भी कोई डाउट है इसमें? ओके, तो इस टाइप के केसेस मिलते हैं तो हम कर सकते हैं इजिली। उसके बाद एक हमने जो है वो 11th क्लास में पढ़ा था, AMGM वाला कॉन्सेप्ट, उससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं रेंज में। आपको याद होगा वहां पर भी ये बात हुई थी हमारी कि रेंज जो होता है वो दो तीन जगह हमको ढूंढने को मिलेगा, एक उसमें मिल जाएगा, एक AMGM में मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में रेंज आता है, एलजेब्रिक में रेंज आ जाएगा। AMGM के लिए मैं बता देता हूँ, AMGM कॉन्सेप्ट जो था हमारा वो क्या था, आपने पढ़ा था, लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज। और कौन सी इनइक्वालिटी? AM, उससे बड़ा, सबसे बड़ा AM, फिर उससे छोटा GM, और सबसे छोटा क्या होता है? HM। याद होगा ये सभी को, AM का मतलब अरिथमेटिक मीन, GM का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, और HM का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक मीन। और एक फॉर्मूला भी टाइप से, फॉर्मूला क्या बोलेंगे, वो एक फैक्ट है जो हमें बताया गया था कि एक फंक्शन और उसका रिवर्स, एक कोई फंक्शन और एक उसका रिवर्स, 1/फंक्शन, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। कोई फंक्शन हो उसमें अगर फंक्शन ऑफ एक्स है, जैसे मान लिया एक फंक्शन ऑफ एक्स है, या सिर्फ एक्स मान लो हम ले लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि भाई सिर्फ एक्स ले लो, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या हो, 1/x, तो इनकी वैल्यू हमेशा जो होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है। एक फंक्शन और उसका रिवर्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, कब? जब एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0, और एक फंक्शन और उसका रिवर्स जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू -2 होता है, कब? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0। ये दो फैक्ट आपको याद रखना है, एक फंक्शन और उसका रिवर्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है जब वो कोई पॉजिटिव नंबर हो। चाहे तो आप चेक करके देख लो, कोई पॉजिटिव नंबर अपने दिमाग में ले लो 0 से बड़ा, वो करो और उसका रिवर्स करके दोनों को प्लस करके देखो, हमेशा 2 से बड़ा आएगा या तो 2 आएगा। 2 कब आएगा? 2 कब आएगा? जब x की वैल्यू 1 ले लो, 1 और 1/1 तो क्या बन जाएंगे, 1+1 2, तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2 आएगा। अब इसको कोई कहे कि भाई इसको प्रूव करके दिखाइए, ये समझ में नहीं आ रहा हमको, तो आपने AM का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दो नंबर का AM क्या होता है, a+b/2, दो नंबर का GM क्या होता है, √ab, और दो नंबर का HM क्या होता है, 2ab/a+b। ये सारी पुरानी यादें हैं जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ी हुई थी। तो हमने लेट कर लिया कि a की वैल्यू जो है वो क्या है, x है, और b की वैल्यू 1/x है। तो एक नंबर का AM जो है, हमने पढ़ा कि एक नंबर का जो AM होता है वो GM से बड़ा होता है, तो अगर हम AM निकालेंगे तो कितना आएगा इसका, a+b/2, यानी x+1/x2, और इनका GM कितना आएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई का √, यानी ये आ जाएगा 1x और x, और AM जो है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू GM होता है। तो AM की जगह हमने रखा है x+1/x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू उनका GM x(1/x) जो कि 1 आया है। तो देखो यहीं से प्रूफ हो गया कि नहीं, x+1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 2 है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कभी भी रेंज का क्वेश्चन आएगा तो 2 का मतलब, ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, कि इसकी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी। अगर कहा जाए x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये जो x+1/x है, या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा, तो 2 से कितना बड़ा होगा, 2 से कहाँ तक जाएगा, तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, तो जाओ y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम ले लें कि भाई y=sin²x + cos²x, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी,
इसकी रेंज बतानी है। तो रेंज का आंसर क्या हो जाएगा फिर, एक फंक्शन है ये और ये उसका रिवर्स है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो, कोई भी वैल्यू ले लोगे सब 2 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी देगा, चाहो तो वैल्यू रख के देखते चले जाओ। एक क्वेश्चन और इस टाइप का पूछा गया था पहले कभी कि y हो गया। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देन फाइंड द रेंज ऑफ और जो फंक्शन हमको गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर टू द पावर वाई प्लस फोर टू द पावर माइनस वाई प्लस साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉसेक स्क्वायर जेड, इसकी रेंज बतानी है क्या होगी। सिक्स टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन और उसका रिवर्स है, फिर
फोर की पावर वाई और फोर की पावर माइनस वाई, ये भी एक फंक्शन और इसका रिवर्स है, और साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉसेक स्क्वायर जेड, ये भी एक फंक्शन और इसका रिवर्स है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, और इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। तो जो फंक्शन हमारा था उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 + 2 + 2 यानी कि 6। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी, 6। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 का मतलब हमारी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 6 to infinity। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 6 to infinity आ जाएगा। तो एक फंक्शन और उसका रिवर्स कहीं भी आपको दिखाई दे तो आप जरूर ध्यान रखें, उसकी वैल्यू 6 to infinity हो जाएगी। अगर तीन तीन है तो 6 हो जाएगा, अगर एक ही होता तो 2 to infinity होती, दो होते तो 4 to infinity हो जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई में रेंज निकालने के लिए, वो भी लिख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आता है इसका भी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब रेंज का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन वो पीएनसी पे बेस्ड होगा, मतलब एनसीआर और एनपीआर, पीएनसी में सिर्फ इतना ही कि वो एनसीआर और एनपीआर पे बेस्ड होगा। तो एनसीआर और एनपीआर के बारे में सबको पता ही है कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है और एनपीआर का, और खैर यहाँ पे हमें फार्मूला तो पता होना ही चाहिए, साथ में उनकी जो प्रॉपर्टी है जिससे हम डोमेन और रेंज दोनों निकालना सीखेंगे, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप वो आप जरूर ध्यान रखें। जैसे एनसीआर है तो एनसीआर का फार्मूला तो पता ही है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ होती हैं कि एन जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, आर जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, और एन हमेशा आर से बड़ा होता है या तो उसकी इक्वल होता है। तो ये तीन इन से हमें जो है कुछ और आइडिया होगा। ऐसे ही अगर हम एन पी आर के बारे में बात करें तो फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसमें एन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, और एन ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है जो आपको पता है, आपने जब पीएनसी पढ़ा था तो वहां पर आइडिया था ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप का पूछा गया है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन और फंक्शन है वाई इक्वल टू 7 - x p x - 3, 7 - x p x - 3 इसकी रेंज बतानी है क्या होगी। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर एक होमवर्क मैं आपको दूंगा इसका करने के लिए। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जब रेंज निकालना होगा तो सबसे पहले हमको डोमेन का आइडिया होना चाहिए, क्या हमको डोमेन पता है इसकी, तो पहले हमें डोमेन निकालना पड़ेगा, यानी सारी एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो ये वो कैसे मिलेंगे हमको, उसका आइडिया हमको ये देगा जो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, चाहे वो एन सी आर की हो या एन पी आर की हो, दोनों की सेम है, क्योंकि वो फैक्ट तो वही है कि एन बड़ा होना चाहिए आर से, और एन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और आर जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और सारे इंटीजर होते हैं, एन और आर सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं ना, और इंटीजर में वो भी निगेटिव इंटीजर नहीं लेना है, निगेटिव इंटीजर को नहीं लेते, जीरो से लेकर इंटीजर जो भी होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2 ऐसे करके लेने हमको। तो देखो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, एन, तो एन कितना है 7 - x, और आर कितना है x - 3, तो एन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब 7 - x > 0, तो 7 > x यानी x की वैल्यू जो है वो 7 से कम होनी चाहिए। दूसरा r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, r है x - 3 यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए, और तीसरी कहती है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए, तो n है 7 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू r कितना है
आर है एक्स माइनस थ्री, तो एक्स को वन साइड कर लेते हैं, तो सेवन और थ्री टेन, और एक्स हो जाएगा टू एक्स, तो टू एक्स लेस देन और इक्वल टू टेन, यानी एक्स लेस देन और इक्वल टू फाइव होना चाहिए। इन तीनों में से जो इंटीजर्स हैं उन्हीं को बस केवल आप पकड़ लीजिए, सेवन से कम थ्री या थ्री से बड़ा होना चाहिए और फाइव या फाइव से कम होना चाहिए। तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही वैल्यूज हो जाएंगे इसकी। तीनों का इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, क्या होगा तीनों का इंटरसेक्शन इसका और इसका सबका। एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो यहाँ पे, अरे भाई थ्री से बड़ी तो थ्री होनी चाहिए, फोर भी हो सकती है, फाइव भी हो सकती है क्योंकि फाइव से छोटा हो या फाइव होना चाहिए। क्या सिक्स और सेवन ले सकते हैं क्या? अब इसमें इंटरवल तो हम लेंगे नहीं कि इंटरवल लेने लगे कि थ्री से लेके फोर तक, फोर से लेके फाइव, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे इंटीजर है। तो ये जो आया है ये क्या आ गया, एक्स की वैल्यू ये आ गया डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन आ गया हमारा। अब एक्स की वैल्यू थ्री फोर फाइव रख के रेंज की वैल्यू और निकाल लो, जैसे डोमेन हमें मिल गया तो वाई इक्वल टू क्या होता है, रेंज वाई है सेवन माइनस एक्स पी एक्स माइनस थ्री, तो एक बार पुट कर लो एक्स की वैल्यू थ्री, तो जब थ्री पुट करोगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेवन माइनस थ्री पी थ्री माइनस थ्री, सेवन माइनस थ्री तो फोर पी जीरो, तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो फोर पी जीरो आ जाएगा वन, एन सी जीरो या एन पी जीरो वन हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू फोर पुट कर देते हैं तो वाई की वैल्यू सेवन माइनस फोर पी फोर माइनस थ्री, तो ये क्या मिल जाएगा, थ्री पी वन, थ्री पी वन की वैल्यू थ्री हो जाएगी। और फिर एक्स की वैल्यू फाइव पुट कर देते हैं तो वाई इक्वल टू सेवन माइनस फाइव पी फाइव माइनस थ्री, तो ये सेवन माइनस फाइव टू पी टू, टू पी टू की वैल्यू टू आ जाएगी। ये कैसे निकालेंगे ये तो पता ही है, एन पी आर का फॉर्मूला सबको पता है, ऊपर बता दिया मैंने, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास जो वाई की वैल्यूज का कलेक्शन आया है वही तो रेंज हो जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगी, या रेंज ऑफ द फंक्शन बोल दो या रेंज बोल दो या वाई बोल दो, क्या मिल जाएगा, वन वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ऐसे लिखेंगे वन से लेकर या टू से लेकर, ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो जो जो आएगा एक्स की वैल्यू वो भी इंटीजर, और जो एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो एनसीआर एनपीआर की वैल्यू आती है वो भी इंटीजर ही होती है, तो उनका भी आंसर इंटीजर में ही हमको देना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो एनपीआर हो चाहे एनसीआर हो, हम क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं होमवर्क में, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी तक तो यहाँ पर एक ही फंक्शन था एनसीआर एनपीआर वाला, हो सकता है दो मिल जाए, एनसीआर और एनपीआर का एडिशन मिल जाए, या एनपीआर और एनसीआर का, तो फिर उसको कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं और इसको हम बात करेंगे अगले टर्न पे, अगर नहीं होगा तो। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन या रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स सी टू एक्स माइनस वन प्लस 20 माइनस थ्री एक्स सी फोर एक्स माइनस फाइव इज, इसकी रेंज बतानी है क्या होगी। ऑप्शन भी इसके गिवन है, ए ऑप्शन में है 728, ऐसे दिया हुआ है 728 कॉमा 1474, बी ऑप्शन में गिवन है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 728 कॉमा 1474, सेवन ट्वेंटी एट कॉमा 1474, ये कर्ली ब्रैकेट में दिए हुए। सी ऑप्शन में गिवन है
0,728 करली ब्रैकेट में, और डी में है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो फिर हमें चेक करना है कि रेंज क्या होगी। तो रेंज के लिए सबसे पहले हमें डोमेन ढूंढना पड़ेगा, डोमेन आ जाएगा तो डोमेन और रेंज से फिर हम डोमेन से एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, और एक्स की वैल्यूज आ गई तो फिर रेंज की वैल्यू भी पता चल जाएगी हमको कि रेंज क्या क्या होगी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।